ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपको ज़मीन बेचना है या फिर अपना कोई प्लॉट बेचना है और आप परेशान हैं, वो बिक ही नहीं पा रहा है, तो सिर्फ एक छोटा सा उपाय करिएगा। 5 चम्मच दही का इस्तेमाल आपको करना है और 3 महीने के अंदर जो आपकी ज़मीन है वो अवश्य रूप से ज़रूर बिक जाएगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पूज्य गुरु जी की ही जो वाणी है वहीं से सुन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, हमेशा की तरह वीडियो लाइक करना है और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब की। अभी भी 80% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब किया करिए। सबसे पहला काम आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। कहां पर जाना है? वट वृक्ष के नीचे। अब ये वट वृक्ष क्या होता है, आप इसको हिंदी में समझें तो बरगद का पेड़ जो होता है वहां पर जाना है, अंग्रेजी में समझें तो बनियान जो ट्री होती है वहां पर, उसके नीचे आपको जाना है। ठीक है, फिर क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, उसका कोई एक पत्ता लेना है और वहीं पर नीचे आपको जो वट वृक्ष है वहीं पर नीचे आपको इस पत्ते को रखना है। ठीक है, इस पत्ते के ऊपर आपको रेत से, ध्यान से सुनिएगा, रेत से या फिर आप इसको बालू भी कह सकते हैं, चाहे रेत से या फिर आप बालू से यहाँ पर भोले बाबा के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, भोले बाबा के शिवलिंग का निर्माण करेंगे इस पत्ते के ऊपर। ठीक है, आप अब आप रेत से कैसे भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, एक स्वरूप भी बना सकते हैं आप, थोड़ा सा पानी लेकर के और उसको थोड़ा सा टाइट करके भी यहाँ पर शिवलिंग बना सकते हैं। ठीक है, कैसे भी आपको, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग बनाना है, रेत से ही बनाना है। ठीक है, अब सुनिए करना क्या है, जब आपने यहां पर शिवलिंग का निर्माण कर लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 चम्मच दही, कितनी चम्मच, 5 चम्मच दही यहां पर आपको चढ़ा देनी है। ठीक है, दही चढ़ाते समय और शिवलिंग का निर्माण करते समय वट केश्वर महादेव का स्मरण आपको करना है। किसका स्मरण? वट केश्वर महादेव, एक बार और बोल रहा हूं, वट केश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यहां पर जो 5 चम्मच दही है वो यहाँ पर आपको चढ़ा देना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया, फिर वहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा पूजा आराधना कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पत्ती पर आपने बनाया है, ठीक है, इस पत्ती पर जो आपने शिवलिंग का निर्माण किया है, जो दही चढ़ाया है, इस पत्ती को बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित कर देना है, यानी कि आपको ले जा करके वहाँ पर प्रवाह कर देना है इस पत्ती को शिवलिंग के साथ ही, इसके ऊपर शिवलिंग होना चाहिए और आप बहते हुए पानी में इसका जो पत्ती है उसको आप प्रवाह कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको करना है। अब आप पूछेंगे कौन से दिन करना है, दिन की कोई सीमा नहीं है, जब भी आपकी इच्छा हो कर दें। बाकी प्रवाह कब करना है, प्रवाह भी आपकी कोई सीमा नहीं है, जब भी आपकी मन हो, मतलब अगर आप ये उपाय सुबह कर रहे हैं तो शाम के टाइम पे ले जा करके आप प्रवाहित कर दीजिएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, बताने की, आपको समझाने की आपको पूरी कोशिश ज़रूर करूंगा। और आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और हाँ, थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर किया करिए, बहुत ज़रूरत है आपके लाइक्स की और सब्सक्राइब की। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।